विधानसभा चुनाव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को दो दिवसीय श्री करणपुर दौरे पर वो कमान संभालने के लिए पहुंचे हैं। बीजेपी की चुनावी तैयारियों के मद्देनजर बैठक भी लेंगे, ये दौरा उनका रहेगा। मंडल बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। श्री करणपुर में 5 जनवरी को मतदान होना है और ऐसे में सीपी जोशी को कमान सौंप दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दो दिवसीय श्री करणपुर दौरा, वहां पर सियासी नब्ज टटोलेंगे क्योंकि जिस तरीके से इमोशनल कार्ड खेला गया है, टिकट दी गई है कांग्रेस की तरफ से, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी अब सियासी नब्ज टटोलने के लिए श्रीकरणपुर पहुंचेगी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उससे ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश जी, कितना महत्वपूर्ण इस दौरे को माने, इस एक सीट को माने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता में है जी, उन्हें तो ऐसे में जरूरी है कि बीजेपी ये सीट जीतना, खासतौर पर संदेश देना कि बीजेपी सत्ता में आने के बाद पहला चुनाव हुआ है राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। 115 विधायकों की संख्या बल को भी बीजेपी बढ़ाना चाहिए। सीपी जोशी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, दो दिन के दौरे पर है। आज वो चुनाव प्रबंधन समिति की लेंगे शाम को रणपुर के अंदर, वहाँ मंडल और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से संवाद का उनका कार्यक्रम है, उनकी बैठकों का दौर रहेगा मिलाकर। और आपको ध्यान ही है कि पार्टी ने शुरुआत कर दी थी, अशोक गहलोत तो गोविंद सिंह डोटासरा करणपुर जा चुके हैं, कांग्रेस नेताओं का दौरा वहां हो चुका है और बीजेपी के बड़े नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और चित्तौड़ से सांसद सीपी जोशी से दो दिन का दौरा है। मकसद एक ही है, करणपुर जो इलेक्शन है जनता पार्टी ने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं पार्टी ने यहाँ सहानुभूति कार्ड खेलते हुए वहाँ के विधायक रहे दिवंगत नेता गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रूबी कुन्नर को उम्मीदवार बनाया जी। जा सकता है कि कांग्रेस इमोशनल कार्ड पर सवार है तो वही बीजेपी पुराने अनुभवी नेता सुरेंद्रपाल सिंह चीटी जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, राज्य की सरकार के दौरान वो मंत्री भी रह चुके हैं, है अनुभव उनके पास है। ऐसे में ये चुनाव है और प्रतिपाल सिंह संधू वो भी वहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं जनता मोर्चा की तरफ से, ठीक है, वो भी वहाँ पर मुकाबले में रहेंगे, तो ट्रायंगुलर इलेक्शन तो है ही। बिल्कुल, लेकिन बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी लेकर चलती है और हो सकता है कि थोड़ा सा पक्ष में बीजेपी के इसलिए भी रहे क्योंकि अब सरकार में बीजेपी है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के चुन लिए गए हैं, भजनलाल शर्मा है, नवाचार यहाँ पर हुआ है, तो हो सकता है कि एक मौका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दे। ये हम सिर्फ कयास अभी लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो अपडेट मिल रहा है योगेश जी कि श्री गंगानगर पहुंच चुके हैं, स्वागत हो चुका है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक होगी सीपी जोशी की। बात सही है पूरी तरह पूनम आपकी बात जी, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना होगा, संदेश देना होगा कि वो सत्ता में आ गई। सत्ता में होने का एक जो होता है वो सत्ताधारी दल को जरूर मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करणपुर का जो चुनाव है वो इतना आसान भी नहीं है ठीक, जो बहुत आसानी से बीजेपी जीत ले, इसलिए पूरी ताकत बीजेपी को यहाँ लगानी होगी। बीजेपी का कैडर है, अब वो कैडर की आपको ध्यान ही है कि आसपास की जो सीटें हैं, अनूपगढ़ की सीटें हो, चाहे राजनगर की सीट हो और ये चाहे सूरतगढ़ की सीट हो, ये सभी कांग्रेस पार्टी के खाते में गई है। बिल्कुल, तो पूरा जो श्रीगंगानगर या नहरी क्षेत्र और अब तो इमोशनल कार्ड भी खेला गया है कांग्रेस की तरफ से और आजकल तो पोस्टर्स बैनर्स भी उस तरीके के छप रहे हैं। योगेश जी, इमोशनल कार्ड का तो राजस्थान में चलन भी है, मैं देखा होगा पिछले बार के दौरान जो बाई इलेक्शन हुए थे, आड़ा में इमोशनल कार्ड चला, सुजानगढ़ में इमोशनल कार्ड चला, राजसमंद में इमोशनल कार्ड चला और आप कहा जा सकता है कि नगर में इमोशनल कार्ड चला था। तो मैं देखा पिछले 8 में से 6 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते, उनमें से ज्यादातर चुनाव कांग्रेस ने इमोशनल कार्ड पर जीते, तो वहीं जनता पार्टी जो एक उपचुनाव जीता था ममता छोरी वो भी इमोशनल कार्ड के थ्रू मैदान में चुनावी समर में जीती थी। तो इमोशनल कार्ड का एक अपना एक चलन है, लेकिन ये जरूर है कि सामने की अगर टक्कर होती है बीजेपी वहां पर आने का एक नेचुरली जो लाभ है वो प्राप्त होता नजर आता है। किस तरह से बीजेपी एक संदेश वहां देगी, क्योंकि आगे वाले दिनों में वहां पर मुख्यमंत्री के भी दौरे होने हैं भजनलाल शर्मा के, पूरी पार्टी वहां अपनी ताकत लगाएगी, जो नए मंत्री बनाए जाएंगे, मानना है कि जल्दी
मंत्रिपरिषद का फेरबदल और विस्तार होगा, तो जो नए मंत्री बनाए जाएंगे वो सबको वहाँ पर चीज लगाई जाएगी, सबको वहाँ चुनावी तैयारियों में झोंका जाएगा। आपको ध्यान ही है कि जब सरकार थी पिछली कांग्रेस की तो इलेक्शन उपचुनाव कहा जा सकता है रामगढ़ का हुआ था, तो सफिया जुबेर जीती थी। 99 से 100 की संख्या पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की पार्टी पहुंच गई थी और बहुमत प्राप्त हुआ था उस चुनाव में। कांग्रेस पार्टी को रामगढ़ के उस चुनाव में सरकार में होने का लाभ मिला था। देखते हैं क्या ये एक सीट खुशी कांग्रेस को देती है या फिर नई नवेली पार्टी को। बहुत शुक्रिया योगेश जी इस विश्लेषण के लिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी श्रीगंगानगर पहुंच गए हैं। दरअसल दो दिवसीय दौरा है, श्रीकरणपुर में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में दरअसल चुनाव होने जा रहा है एक सीट पर, श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। दो दिवसीय दौरे पर सीपी जोशी श्रीगंगानगर आए हैं। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में दौरे पर रहेंगे। भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की जाएगी, तो ये बेहद खास है। भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होनी है। उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी श्री गंगानगर पहुंचे। तो ट्रायंगल यहां पर चुनाव बना हुआ है क्योंकि एक निर्दलीय है, एक कांग्रेस के और एक बीजेपी के। तो ऐसे में देखना होगा किस तरीके से सियासी नब्ज को टटोला जाएगा, किस तरीके की तैयारी यहां पर की गई है कार्यकर्ताओं की तरफ से, या फिर जोश भरने का काम कार्यकर्ताओं को यहां पर एक मैसेज देने का काम सीपी जोशी करते नजर आएंगे। तो पूरे तरीके से एक्टिव मोड में अब बीजेपी नजर आ रही है क्योंकि सरकार सत्ता में आ चुकी है। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बेहद खास तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगातार जनसुनवाई कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, मुलाकात उनकी हो रही है ओटीएस में और बिलवा जाने का भी कार्यक्रम है एक्टिव मोड में। एक तरफ मुख्यमंत्री तो वहीं पर तमाम कार्यकर्ता और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी। सुनील सिहाग हमारे साथ श्रीगंगानगर से जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुनील, हम पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी से भी चर्चा कर रहे थे इसी खबर पर, उस बीच ये अपडेट मिल गया कि पहुंच चुके हैं श्रीगंगानगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। जरा बताइएगा किस तरीके का कार्यक्रम रहेगा क्योंकि करणपुर भी पहुंचना है, सियासी नब्ज को भी टटोलना है। देखिए पूनम, जिस तरीके से श्री करणपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं उसी को लेकर, उसी सिलसिले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जोशी अभी रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं और सीधा केएलएम होटल के लिए रवाना हो गए और वहाँ पे थोड़ी देर बाद वहाँ से कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे बीजेपी कार्यालय के अंदर। तो वहाँ से मीटिंग लेकर और जो राजनीतिक जो चर्चाएं है वो चर्चाएं होगी, करणपुर विधानसभा क्षेत्र को लेके कार्यकर्ताओं से सारी चीजें पूछी जाएगी और उसके बाद में वो श्री करणपुर क्षेत्र के लिए निकलेंगे। केसरी सिंहपुर में उनका एक कार्यक्रम है, सभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए सुनील।